स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम जानेंगे टेस्ला के सोलर रूफ के बारे में। क्या ये प्रैक्टिकल है या कचरा है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये आइडिया है क्या। आइडिया बहुत सिंपल है कि ये एक पावर वॉल लगाएंगे, जो बेसिकली आप समझिए इन्वर्टर है बहुत बड़ा सा, और उसको चार्ज करने के लिए ये सोलर सेल्स यूज़ करेंगे। और सोलर सेल्स नॉर्मल सोलर पैनल नहीं होगा, उसमें सेल्स आपके रूफ के टाइल्स पर लगाए गए होंगे। जैसे आप खपड़ायल का घर बनाते हैं, उस टाइल्स का इस्तेमाल करके ये लोग इस बैटरी को चार्ज करेंगे और इस बैटरी से आपका घर चलेगा। दिन में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैटरी से चलने, ये सोलर पैनल से जनरेट कर रहा है, रात को जो इसका ओवर प्रोडक्शन हुआ दिन में वो स्टोर करके रात को आपका घर चला देगा। तो ये दो कंपोनेंट का सिस्टम है, आपको सोलर सिंगल्स चाहिए और आपको लिथियम आयन बैटरी पैक चाहिए। लेड एसिड आप कर सकते हैं, लेकिन लेड एसिड बहुत महंगा होता है और कई साल नहीं चलता, इसमें 10 साल की वारंटी आती है। अब इसका आप सोचोगे कि ठीक है, इसने किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस है क्या। कुछ लोग जो ऑफ ग्रिड रहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बीच खेत में आपका घर है जहाँ बिजली आती ही नहीं है, या मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं दे रहा है, या कनेक्शन बहुत कमज़ोर है, मतलब लाइन आता है मतलब दिन में 3-4 घंटे ही रहता है, तो आप बोलोगे यार हो गया यार बहुत हो गया, और आप जनरेटर तो दिन भर नहीं चला सकते, तेल के खर्चे से लुट जाइएगा और आवाज़ पोल्यूशन सब आप नहीं चाहोगे। तो उस हालात में ये इस तरह के सोलर सिस्टम बहुत फायदेमंद होते हैं। दूसरा, कुछ लोग चाहते हैं कि यार अपना ही सेल्फ जनरेटर, उनसे ज़रूरत नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंस ले लें पावर कंपनी से, तो सेल्फ जनरेशन। और ये जो मैंने हरे में लिखा है बैड ग्रिड, ये हमारे भारतवासियों के लिए काफ़ी कॉमन चीज़ है, जहाँ पावर कट, किस्मत अच्छा रहा तो दिन में 2 से 3 घंटे कटेगा, बुरा रहा तो कंटिन्यूस 6 से 7 घंटे कट जाएगा। तो उस दरमियान अगर इस तरह का सिस्टम है तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जनरेटर आप सीधे सीधे नहीं चला सकते। घर में उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन हमारा नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है वॉशिंग मशीन से, एयर कंडीशन से, वाटर हीटर से, जो कि आप डायरेक्ट सोलर लगा सकते हो, और जेट पंप से। तो सब मिला के पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, और इंडिया में सन बहुत ब्राइट चमकता है, हम लोग इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक हैं, तो हमारे पास काफ़ी पावरफुल सोलर एनर्जी है। तो ये है इनका टारगेट ऑडियंस। लेकिन कुछ चीज़ आपको समझना होगा, ये हर चीज़ एकदम बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ चीज़ आपको समझना होगा। तो समझिए ये कि सोलर, आप सोचोगे कि अरे यार सब चीज़ इतना अच्छा है कि हम सोलर से अपना घर चला सकते हैं, इन्वर्टर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, इतना पैसा लग जाता है ये करने में कि आप एंड में बोलोगे यार ये मतलब जितना पैसा मैंने खर्च किया उतना पैसा का मैं सीधे बिजली को दे देता है, या मेरे बिजली बिल का पैसा मैं डाल देता, तो आपका बिजली बिल कई साल तक का पेमेंट हो चुका होता। तो ये बात जानिए कि सस्ता नहीं है, खासकर सोलर पैनल्स, लोग कहते हैं ना कि 10 से 9 10 साल में अपना पैसा वापस कर देंगे, वो तब होता है जब आप उसको अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। तो बेचना हर जगह अलाउड है भी नहीं, और आपको ये भी समझना होगा आपको पावर कंपनी से अपना पूछना पड़ेगा, जो भी आपकी सरकारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, या मान लीजिए कहीं रिलायंस पावर है या जो भी है, तो वो आपको सीधे अलाउ नहीं कर देगी, कनेक्ट कर दो कि भैया मेरे ग्रिड में, आप सोलर से यूज़ किए, आप सोलर से बैटरी चार्ज किए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम आप मान लो यूज़ नहीं कर रहे हो, 2-3 दिन से आप बस चिल मार रहे हो, आपका यूज़ नहीं हो रहा, सोलर पैनल बहुत ज़्यादा जनरेट कर देगा पावर, और गर्मी में है आपका वो सोलर पैनल पूरा जनरेट कर दिया, आपने दिन भर AC चला रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आपका AC का पावर कंजम्पशन भी कम हो गया है, लेकिन अब पावर और आ रहा है तो बैटरी बैंक फुल चार्ज है, पावर कंजम्पशन फुल चल रहा है, लेकिन वो पावर का होगा क्या, वो पावर जनरली वापस ग्रिड में भेज दिया आपके, अगर वो पुराने वाले इलेक्ट्रिक मीटर होते जिसमें घूमता डिस्क, वो उल्टा घूमने लगेगा ना, वो करना ग्रिड अगर हैंडल कर सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर ग्रिड हैंडल नहीं कर सकता तो आप ग्रिड क्रैश कर सकते हो, मतलब ग्रिड में बहुत सारे ट्रिप फ्यूजेस उड़ जाएंगे और आप पूरे शहर का बिजली उड़ा सकते हो। जनरली आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर उड़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है, ऐसा होता है कई बार, तो इसलिए सेफ्टी रीजन से आप डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते, कि बिजली आप बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पावर कंपनी से परमिशन लेनी होगी, और हर जगह शायद अलाउ भी ना करें, और उनका सेंस बनता है क्योंकि उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये हैंडल कर सके। दूसरा, हर जगह जो आज आप सू कैंप और ये सब के देख रहे हैं कि सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव दे रहा है, बिना गवर्नमेंट के इंसेंटिव के तो ये सीधे सीधे स्टार्ट ही नहीं कर सकते आप, मतलब सोचना ही नहीं है, अगर इंसेंटिव नहीं दिया जाए तो आप सोचोगे ही नहीं इसके बारे में, ये इतना महंगा होता है। तो फिर आइए हम देखते हैं ये सोलर टेस्ला के बारे में समझते हैं। ये आप समझिए, ये थोड़ा भावनाओं में बह गए और कुछ भी बोल दे जा रहे हैं कि मतलब ये नॉर्मल टाइल्स वो तो होगा नहीं, फिजिक्स ही मना कर दे रहा भैया, वो रास्ता आप नहीं क्रॉस करो, उसके बारे में मैं डिस्कशन भी नहीं करना चाहता, वो नहीं हो सकता सस्ता, बहुत महंगा होने वाला है, और मैं वीडियोज़ के लिंक नीचे डाल दे रहा हूँ जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि पैसा
किसी भी हालत में सस्ता नहीं होने वाला है। दूसरा, पावर वाल आपको लेना पड़ेगा। पावर वाल भी कोई सस्ता चीज़ है नहीं, बहुत महंगा है, तो उसके बारे में भी आपको सोच समझ के देखना पड़ेगा कि क्या पावर वाल ले सकते हैं, एक पावर वाल से आपका काम होगा कि नहीं, कि दो चाहिए, तो आप वो भी समझिए। और इसका फाइनल रीज़न ये बना क्यों है, बस ये ऐसा समझिए कि आप सुंदर दिखना चाहते हैं ना, कि मतलब आपका घर ऐसा ना दिखे कि हाँ सबको दिख जा रहा है सोलर सेल है, ये आपका है आराम से, जो कहीं किसी को दिख नहीं रहा, अपना शांति से है बढ़िया से। तो आपको डिसाइड करना है, आपको सुंदर चाहिए या प्रैक्टिकल चाहिए। आपको सुंदर चाहिए तो ये ले सकते हैं, लेकिन हाँ हर जगह खरीद भी नहीं सकते, और अभी इसका मास प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको मिलेगा कि नहीं वो मैं नहीं जानता। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सोलर सेल के बारे में जो टेस्ला बना रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला हो और मज़ा आया हो, तो अगर वैसा है तो लाइक कर दीजिए, ना लगा हो तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट लिखिए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, तो उस कारणवश आपको पता चलता रहेगा। और हमेशा के लिए देखने के लिए शुक्रिया।